वो हैदर साहब। ए पाले से लुके हुए हो हैदर, रजाई में छुप गए हो हैदर। बहुत बढ़िया काम किया है हैदर, बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये जो लुक गए हो पाले से हैं, इधर से कान नजर आ रहे हैं और नाक भी दिख रही है और मुंह सारा दिख रहा है। हैदर आप मुझे गाना सुनाओ। चलो सुना छोड़ो, चलो नखरे दिखा छोड़ो। हैदर छुपा हुआ है, बाकी कोई नहीं है घर में, हम अकेला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता आप ठीक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह सुबह जो है मैडम साहबा ने झाड़ू दे लिया है, तो आज मौसम जो है बड़ा ठंडा ठंडा बन गया है, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों ना ये वाली जो है ये पहन लेता हूँ। हाँ जी, अब देखें ज़रा है, अब मैं सोना बन गया सर्दी से बचने वाला। ये होता है सर्दी से बचने के लिए। आप भी ऐसा कांठ करते हैं, कभी किया है? मैं तो रोज करता हूँ। और ये मैडम साहबा जो है ये मेरे ख्याल रोज ही झाड़ू लगाती हैं। हमारा तो काम है रोज का झाड़ू लगाना। अच्छा, हाँ जी, चले वाल भी सोच लें। सोच लिया, ये रोज का काम है हमारा। बच्चे चले गए हैं? हाँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं। व्लॉग नहीं बनाया था? नहीं, क्योंकि आज लेट हो गई थी तो इसलिए नहीं बनाया। चले आप बना लें। चलो बना रहे हैं अभी। हाँ जी, ये कौन है? ये इब्राहिम और इश्फाक। इब्राहिम और बेबड़ा। हाँ। आए बेबे। है कल देख कैसे गुजार रहे हैं दोनों मिलकर हैं। हाँ। बड़े सियासती। आप गंद फेंकने जा रही हो? हाँ। जाना है बाहर का माहौल देखने। हाँ जी चलें। हाँ। गंद कहाँ फेंकेगी? वहाँ से। वो उधर। हाँ। वो तो गली गली में डाल देते हैं सब लोग। गली में डाल देते हैं, हम गली में नहीं डालेंगे, हम एक साइड पे डालेंगे। चलें सही है, चलें जी, चल के देखते हैं आज मैडम साहबा कहाँ गंद करती हैं, मतलब गंद डालती हैं, जिसे बोलते हैं कूड़ा क्रिकेट, कूड़ा कूड़ा क्रिकेट डालेंगे, फिर उसके बाद वापस वाल आवेंगे। ये सारा गंद मुझे नज़र आ रहा है, आप भी यहीं पर डालती हैं? फिर ये कैसे कैसे कैसे, ये तो गली में नहीं है, गली ऐसे है ना, गली सीधे जाती है। हाँ। ये प्लाट है? ये प्लाट है। ये किसका प्लाट है? ये वो जमीन वाले मालिक का है। अच्छा, अभी तक बिकाऊ माल नहीं हुआ? नहीं। चलें कोई नहीं। और ये देखे लकड़ियां भी पड़ी हैं, ये वाली, ये लकड़ियां भी पड़ी हैं। हाँ। और ये सुहांजने वाली भी पड़ी है, ये अब सूखी पड़ी है, और ये भी पड़ी है सुहांजने वाली। और ये किक्कर जो हमने काटा था, अब इसकी सेटिंग भी करनी है ना, छोटे छोटे काट लेने हैं। और सुहांजना जो है अभी फल्ला नहीं है, थोड़ा थोड़ा फल्ला है। हाँ, थोड़े थोड़े फूल उठाए। हाँ जी, इसके ऊपर भी पैंपर किसी ने डाल दिया, ये कोई कमाल है। ये देखें, ये फला हुआ है, अब ये फूल निकाल रहा है। और मौसम चेक करें, आज बदल बहुत हैं, इस तरफ से तो ज़्यादा है कुछ। हाँ। और इस तरफ से कम है। अब ये इसकी क्योंकि जब हाँ और नीचे गिर गया, जब ये फूल होंगे ना फिर ये खाए जाते हैं ना, इसीलिए लोग सोचते नहीं हैं, खाने पीने वाली चीज़ पर भी गंद मार देते हैं। एक अगर धूप निकल गई ना, एक दो धूप फूल जैसे होती हैं, वैसे ये देखना फूल उठाएगा। तो ये किसने तोड़ दिया? पता
उधर से भी टूटे हुए हैं दो ये वाले। हम तो घर होते हैं, पता नहीं ये पता नहीं कौन तोड़ता है। मुझे जो अगवानी तोड़ गए होंगे। जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं ना, उनको कोई तोड़े ना फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये देखें, ये इसके ऊपर देखें फूल लगे हुए हैं। ये देखें, ये अभी तो छोटे छोटे हैं, ये बहुत लेट उगते हैं, फूल उठाते हैं। भीड़ होते हैं, ठंड होती है तो उसकी वजह से ना ये ऐसे खड़े रहते हैं। जब भी धूप निकलती है ना इतनी तेज, तो ये जल्दी जल्दी फूल उठा लेते हैं। ये किसका जूता पड़ा है? ये टूटा हुआ किसी का जूता। अच्छा टूटा हुआ है। हाँ। मैंने कहा शायद सही है। नहीं टूटा हुआ है। अच्छा चलो ये दरवाजे से साइड से हट जाओ, साइड से हट जाओ। बाहर निकाल रहे हैं, चले निकालें बाहर। आ जाए इब्राहिम, ये आपकी है। चले आप वो खींचे फिर मैं इसे निकाल के दूं। चले जी बेबो, चलाते नहीं है बड़ा ऐसे ही, कोई फायदा नहीं है लोगों का, ऐसे ही फजूल खर्ची करने वाले। चले ऊपर बैठकर चलाओ, चलो हाँ शाबाश करो, हाँ ऐसे ही चलाया करो बंदे के पुत्रो। चलें जी। किचन हमारा वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन अभी इसमें पकाना खाना तो कुछ नहीं है, ये वैसे ही बना दिया है, इसमें हम कोई वर्क नहीं करने वाले। ऐसे ही खड़ा रहेगा। हाँ जी ये शो पीस है बस। हाँ। असल में पता है क्या है, असल में ये है कि इस किचन की ना कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। हाँ। मतलब ना ही इसके छत मिलती है, ना ही इसकी ये दस्तरखान कलीन जो होता है ना वो मिलता है। हाँ। और ना इसका इसके बर्तन मिलते हैं, कोई कुछ भी नहीं मिलता। अजाब में फंस गया हूँ मैं तो। जब मुझे गुस्सा आता है ना फिर मैं इसे तोड़ दूंगा, या ऐसे खड़ा रहे बस। ऐसे खड़ा रहे, अल्लाह करेगा कभी तो मिल जाएंगे ना। नहीं उनका दौर ख़त्म हो रहा है, जो चीज़ें मैं तलाश कर रहा हूँ ना। हाँ। वो उनका दौर ख़त्म हो रहा है तो वो कहाँ से मिलेंगी। जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना वो नहीं मिलती, फिर न्यू आ जाते हैं सिस्टम। क्या पता हो सकता है जो न्यू आए वो इनके साथ मैच कर जाएं। एक एक तो इसकी छत होती है ना। हाँ। वो नहीं मिल रही। हाँ। अच्छा इसके अंदर जो ये बिछाने के लिए दस्तरखान होता है वो नहीं मिल रहा। और इसके बाद जो है बर्तन होते हैं, बर्तन। हाँ। जैसे बोलते हैं क्रॉकरी, वो नहीं मिल रही। हाँ। और इन सब से बढ़कर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। हालांकि इस्लामाबाद तक भी गए हैं, अटक तक गए हैं। हाँ। लेकिन वहां से मिला लिया ही नहीं, मतलब जो हमारे साथ थे ना भाई लोग उनने कहा भी टाइम ही नहीं है भाई। मतलब वो अगर उनके काम हो ना तो सारी ज़िंदगी उनके साथ चलते रहो, वो नहीं ख़त्म हो गया। जब हमारे काम आते हैं फिर वो बोलते हैं जी नहीं जी टाइम नहीं है जी। अगर मैं खुद गाड़ी चला लेता ना फिर देखता, जब ये सो रहे होते मैं जाके ले आता। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सिटी है ना, मैं तो अभी अपने सिटी में भी नहीं चला पाता। चलें जब सीख जाएंगे तब तक चूल्हे को ऐसे ही रख देते हैं, एक खड़ा खड़ा रहने देते हैं। ओके ठीक है जी। उठाए हो हैदर, जाग गए हो हैदर। पहले भी जाग रहा था ऐसे ना सवर में रजाई में ना। हाँ। इसको ऐसे लपेट के बिठा दिया। हाँ। जैसे ऐसे चिलगोजा नहीं होता वैसे। ओ दो जहाज जा रहे हैं, एक वो जा रहा है एक वो जा रहा है। ओए जहाज दो दो है इधर। ओ चिट्टा जहाज जा रहा है, ये वाला चिट्टा जहाज है। और कहाँ है वो जा रहा है, लकीरे वाला। अच्छा अच्छा वो लकीरे वाला, लकीरे वाला
ये ऊपर जो है रिजल्ट नहीं देता। हाँ। इधर साहब क्या है? मलंग वो जहाज है। बोलो जहाज। जहाज। चलो बोलो ए पापा। चलो बोलो बाबा। बाबा बोलो बाबा। बाबा बाबा आँख छोड़ो। बाबा नहीं आतेगा। इसको बोला ना जहाज, वो फिर बोलता है जहाज। हाँ जी हो गई गरम चाय। ओ आ गई चाय, आ गई चाय। पकड़ ले जरा मेरे वास्ते, पकड़ ले जरा मेरे वास्ते। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला। आधा अंडा भी रखा है आपका, ले आओ। आधा अंडा भी रखा है। हाँ। चले ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। मैं जरा वो प्याली मेरी वहां पर रख दे प्याली, ऐसे नहीं तो मेरे हाथ रोज ही जाते हैं। यहाँ पर रख छोड़ी है प्याली। चलो ये ढोले साइड ते थी जाओ, साइड ते थी जाओ। ढोले बोले गोले। चाय के साथ अंडा, अंडे के साथ चाय, फिर चाय के साथ रस, फिर रस के साथ बिस्कुट, फिर बिस्कुट के साथ फिर चाय। ऐसे खा पी जाए असलम खान, सारा कुछ फना कर जाए। पानी भरा भी आज। पानी पानी भी भरना है। वो ना आज वैसे भी जाना है। अच्छा। हाँ जी, आज आपके मामू जान और आपकी मम्मा जान बोल रहे थे कि जो है जाना है। किधर? रोही ते जाना है या किते आउटडोर जाना है? जुम्मे जुलूंगा मैं जुना। चुम्मे शुम्मे कोई नहीं जाता, आज ही जाएंगे। आज हम खा पी कर मौजें कर कर बना कर पार्टियां करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। डॉक्टर सुल्तान डॉक्टर ही करेंगे। हाँ जी, इसके लिए जो है ना थोड़ी सी ले आएंगे। क्या पता हो सकता है डॉक्टर की दुकान बंद करके पीछे ही आ जाए। नहीं पीछे आने वाला नहीं है ये। फिर छितर पड़ेंगे इसके मामा मुखलिस के, छितर पड़ेंगे अगर ये पीछे आया तो। चाय चाय खाना चाहते हो? अंडे पीना चाहते हो? नहीं। बोलो आप खाओ, बोलो। चलो नखरे दिखा दो, नखरे दिखा। बोला नखरे दिखा छोड़ो, नखरे दिखा दो, नखरे। अच्छा अब तबीयत ओके है डॉक्टर साहब, क्या करना है इसका? अब इंजेक्शन एक लगा के फिर बर्नोला आउट कर देंगे। ओके ठीक है जी, अभी लगाते हैं। जो है पिलानी है। हाँ जी। तो बस वो पानी जो मैंने बना के दिया था उसको अब वेस्ट कर दें। वो नहीं पिलाना अब। चले पानी खत्म कर दें। हाँ। और एक इंजेक्शन लगा के फिर ये वाला निकाल देंगे, निकाल देंगे। फिर हैदर अली सही हो जाएगा, फिर आपने इसको गंदम वाला खिलाना है। हाँ, नेस्ले आज, चिली लैक। आज जाए ना शहर तो गंदम वाला लेके आना है। हाँ जी आज भी जाना है शहर। और आज को ना वो खत्म हो गया था गंदम वाला। हाँ जी आज ठंड बहुत है, नहीं तो मैं मोटरसाइकिल पे चला जाता। बहुत ठंड है, आप गाड़ी पे चले जाओ। हाँ धूप बिल्कुल नहीं है, ये देखें मौसम बदलों वाला है ना। चलें धूप निकल आती है इंशाल्लाह थोड़ी देर में, फिर निकल जाऊंगा। सही। चाय मेरी ठंडी करवा दी है। आप पिए ठंडी हो जाएगी। देखिए आपके पापा चाय पी रहे हैं। क्या किया है? अंडा खा, अंडा खा लिया? खा गया। खा गया बोलता है। तो यहाँ पर नंबरदार जो है गर्मा गर्म नाश्ता कर रहा है ना नंबरदार। आयो रात क्या बनाया था? गोभी मटर। गोभी और मटर आपने बनाया था, बैंगन का भरता। हाँ जी, बड़ा वेरी टेस्टी एंड यम्मी यम्मी था। हाँ जी बैंगन का भरता यम्मी यम्मी। वो क्या कुछ भी नहीं है ऊपर, वो तो सिर्फ बदल है। ऊंचा पढ़ो ऊंचा। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा हैदर। पढ़ो ला इलाहा। हाँ वो उसे रहने दो, आप पढ़ो ना।
चलो पढ़ो, अलीफ बा ता ता, बस भाई बोलता रहेगा, आगे कुछ नहीं बोलता। हाँ जी, हो गए फाइनल? नहीं, अभी तो सिर्फ चाय पी है। हाँ, और अभी आपने नाश्ता भी रेडी करना है। हाँ जी, और चाय भी बनानी है। अलीफ, फिर नाश्ता करेंगे। अलीफ, हाँ, फिर चाय पियेंगे। गुड गुड, फिर व्लॉग भी हमारा तकरीबन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। बाय कर दो हैदर, बाय कर दो, बाय बाय कर छोड़ो, बाय कर छोड़ो हैदर साहब। कहाँ गई है? खाना अभी तक नहीं दिया, इतना टाइम हो गया है। आ रही हूँ बस, अभी ये देखें साला ने भी गरम कर लिया तो अभी लेके आ रही हूँ। जल्दी खाना चाहिए हमें, चलें आ जाएं। हैदर साहब देखें, हैदर भी खुश हो गया है। चलो अब सीधे बैठो यहाँ पर, हैदर यहाँ पर बैठो ना, वहाँ पर आपका पापा बैठे बेगा। हैदर अली को भी साथ बैठने दिया करो। साथ बैठता है यहाँ पर। ये लें जी, मैं भी बैठ गया। अच्छा, ते नाल नाल हैदर हैदर भी नाल बैठ गया, ते नाल हुण असा खाना खाएंगे। हैदर साहब आप भी खाना खाना चाहोगे? क्या है ये? बैंगन का भरता, बैंगन का भरता है आपने खाना है? सही बात है। तो प्यारे बहन भाइयों, हम खाना खाने लगे हैं। अगर आपने भी खाना है तो घर में पका के खा लें, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर आएंगे तब तक ये बैंगन का भत्ता जो है ये खट्टा हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा आप वहीं पर ही बना लें तो बेहतर है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हैं। आप इतना सफ़र भी करके आएँ, फिर भी अगर नसीब ना हो हमारे वाला बैंगन का भट्टा तो कोई फायदा नहीं है। क्यों, सही कहा है ना मैंने? हाँ जी सही कहा है। अपने घर से बना के खा लें। हाँ, अपने घर से बना के खा लें, यहाँ पर आएंगे तो ये तब तक खराब हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले। खा रहे हो हैदर? सही है, जंबो 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 मेरा पुत्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आप पराठे नहीं बनाती हैं? यही तो मौसम है पराठों की। हाँ बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा शॉर्ट है अभी से, शॉर्ट हो गया। हाँ जी, तो रेट भी 48 रुपए का 40 किलो। इतनी महंगा क्या होगा गरीब लोगों का, जो ताज़ा लेते हैं, जहाड़ी पे कमाते हैं फिर ताज़ा लेके आते हैं। हम भी लेंगे ना अभी। हाँ ऐसे नहीं करो ना। असल में पता है क्या है, चीज़ जितनी महंगी हो मिले तो सही। हाँ, ऐसे बड़ी बड़ी लाइने लगी होती हैं जब शहर जाते हैं ना। हाँ, तो कोई एक आधी दुकान होती है जहाँ आटा मिल रहा होता है ना थोड़ा सस्ता। हाँ, वहाँ पर ना सस्ता क्या, वो शॉर्ट है, वो मिलता ही नहीं है। तो एक आधी दुकान पर जब होता है ना तो बड़ी लंबी कतारें होती हैं। अब अल्लाह पाक ने हिदायत दे जो आटा देने वाले हैं, महंगा है चलो दें तो सही ना। हाँ जी, आवाम को मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो कहते हैं बहुत सारी सहूलतें आई हुई हैं। और ये जो शहर है ना शहर, इनकी गलियां ना बहुत बड़ी हैं, लेकिन जब जाओ ना शहर तो मोटरसाइकिल भी नहीं गुजरता, नहीं गुजरता। इतनी रेहड़ियां ये वो सारा कुछ, इतना खुद रश बना के रखा है। हाँ। मेरे कोई शहर का निजाम नहीं है जैसे अच्छा निजाम होता है ना। हाँ। वैसे नहीं है। ये अपना चौक है ना, इस पर भी लोग इतनी रेडियां लगा के खड़े होते हैं।
एक्सीडेंट होते हैं फिर। सही बात है। चले हमारा व्लॉग खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।